हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए WWE से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहाँ पर बात करेंगे आज की स्मैकडाउन लाइव के सभी मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे आज की हमारी दूसरी अपडेट के बारे में, जहाँ पर बात करेंगे न्यू रोमन रेंस के बारे में, जो कि अब हो चुका है कन्फर्म, साथ ही साथ जो अब आ चुका है रॉ के एपिसोड में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मैनोवल के एपिसोड के बारे में, जहां पर शो की शुरुआत होती है शार्लट फ्लेयर, बेकी लिंच एंड ट्रिपल एच के साथ, जहां पर सबसे पहले ट्रिपल एच बैक स्टेज पर भेज देता है शार्लट फ्लेयर को, जिसके बाद हमें ट्रिपल एच एंड बेकी लिंच के बीच एक सेगमेंट दिखाई देता है और इस सेगमेंट की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है जब बेकी लिंच लगा देती है तगड़ा स्लैप ट्रिपल एच के फेस पर, जिसके बाद हमें तुरंत ही वहां से बेकी लिंच हंसते हुए जाते हुए नजर आती है, जिसके बाद हमें टैग टीम मैच दिखाई देता है और यह पहला मैच था स्मैकडाउन लाइव का, जहां पर शिंसुके नाकामुरा एंड रूसेफ ने फेस किया द गुड ब्रदर्स गैलोस एंड एंडरसन का, जहां पर मैच की एंडिंग में मार्च का किक देने के बाद जीत हो जाती है रूसेफ एंड शिंसुके नाकामुरा की। अगला मैच दिखाई देता है वो था मुस्तफा अली वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच, जहां पर कहीं ना कहीं दोनों सुपरस्टार्स काफी ज्यादा तगड़े थे, सुपरस्टार्स की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन स्टिल यहां पर जीत होती है एक तगड़े सुपरस्टार यानी कि नन अदर देन द वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन की, जब वो टॉप रोप से अचानक से हमें आरकेओ देते हुए नजर आते हैं, जिसका डैनियल ब्रायन का सेगमेंट दिखाई देता है, जहां पर बात करते हैं और कंप्लेन करते हैं WWE के बारे में कि हमेशा से उन्हें चैंपियन रहना चाहिए, जिसके कारण WWE में काफी कुछ चीजें सुधर सकती हैं। लेकिन उसके बाद हमें मैच दिखाई देता है वो था नायोमी एंड कार्मेला वर्सेस द आइकॉनिक्स वर्सेस मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल के बीच, जहां पर इस मैच की एंडिंग में जीत हो जाती है मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल की, जिसके बाद हमें डैनियल ब्रायन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच दिखाई देता है एक तगड़ा मेन इवेंट, जहां पर कहीं ना कहीं दोनों सुपरस्टार्स फिर से काफी ज्यादा तगड़े थे और यहां पर एडम जैसे जेफ हार्डी चीतने चलते हैं स्वांटन बॉम्ब लगा देते हैं, रिंग के साइड पर एरिक रोवन खड़े होते हैं वो खींच लेते हैं मैट हार्डी को, जिसके बाद पिन तो यहां पर रुक जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन से जेफ हार्डी जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहां से समोआ जो आते हैं ठीक उसी तरीके से यहां पर समोआ जो अटैक करना शुरू कर देते हैं जेफ हार्डी एरिक रोवन एंड डैनियल ब्रायन पर, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया था रैंडी ऑर्टन वर्सेस मुस्तफा अली के मैच के बाद, और लेकिन क्या होता है सारे सुपरस्टार्स यहां पर आ जाते हैं, मुस्तफा अली आ जाते हैं, रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं और वहां से स्टाइल आते हैं, पूरा रिंग क्लियर करते हैं सबसे पहले और एंड में लगा देते हैं फिनोमिनल फोरआर्म जेफ हार्डी को और रिंग के बीचों बीच हमें दिखाई देते हैं नन अदर देन द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स। लेकिन इसके अलावा बात कर लेते हैं आज की हमारी दूसरी अपडेट या फिर कहूं फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है न्यू रोमन रेंस के बारे में, जो कि अब आ चुका है WWE में। तो रिसेंटली फोर्ब्स की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई जिनका मानना यह है कि जो रोंडा रोज़ी है अब वो बन चुके हैं WWE के न्यू रोमन रेंस, क्योंकि ऐसा इसलिए निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि यहां पर रोमन रेंस के जाने के बाद रोंडा रोज़ी सिर्फ ऐसी है जिनकी यूट्यूब पर व्यूअरशिप काफी ज्यादा तगड़ी है, अगर वीडियो उनकी डालती कंपनी YouTube चैनल पर तो उनपे व्यूज काफी ज्यादा तगड़े आते हैं, साथ ही साथ में जो उनकी मर्चेंडाइज है वो भी कहीं ना कहीं रोमन रेंस के मुकाबले काफी ज्यादा तगड़ी है, या फिर कहूँ रोमन रेंस से तो कम है लेकिन रोमन रेंस के जाने के बाद अभी फिलहाल वो टॉप मर्चेंडाइज सेल में आती है। लेकिन इसके अलावा एक और जो दोनों में सिमिलर चीज है वो भी मुझे ऐसा लगा कि फोर्ब्स की तरफ से एकदम सही चीज है कि फैंस अब खिलाफ होने लगे दोनों ही सुपरस्टार्स के, क्योंकि पहले रोमन रेंस को WWE काफी तगड़ा पुश दे रही थी लेकिन हमें देखने को मिला किस तरह से फैंस बुक करने लग गए थे रोमन रेंस को, और ठीक वही चीजें हो रही हैं भी फिलहाल रोंडा राउजी के साथ कि WWE ने तगड़ा पुश दे दी है, पहले फैंस की तरफ से उन्हें चेयर मिलता था लेकिन जब से बेकी लिंच एंटर हुई है इस फ्यूड में ऐसा होने लगने लगा कि अब मिलने में लगी बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट को काफी ज्यादा तगड़ी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर रोमन रेंस का जैसा हाल नहीं करना है रोंडा राउजी का, फिलहाल अभी रोमन रेंस जब वापसी करेंगे तब तो उन्हें चेयर जरूर मिलने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल जो रोंडा राउजी का हाल चल रहा है वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है प्रोमो के बीच में भी डिस्टर्बेंस उन्हें काफी ज्यादा होती है जब बैकी के चैंट लगते हैं, और WWE को कहीं ना कहीं काफी जल्दी कुछ करना चाहिए ताकि रोंडा राउजी में सुधार आ सके, या फिर ये हो कि रोंडा राउजी का वो करवा दे हील टर्न। तो मुझे भी ऐसा लगता है और मेरे ख्याल से आप सभी भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को एकदम सही मान रहे होंगे क्योंकि रोंडा राउजी का भी हो रहा है हाल रोमन रेंस जैसा। तो बस ये थी थोड़ा और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, या फिर वीडियो कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं रोमन रेंस के बारे में और रोंडा राउजी के बारे में, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE और रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।